प्यारे बच्चों, ये पीपल का वृक्ष है, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने कल O2 पार्क देखा था, O2 और H2O वहाँ लिखा हुआ था, और आपको पता है कि पीपल का वृक्ष हमें क्या देता है? ऑक्सीजन। दिन रात ऑक्सीजन देता है, ठीक है ना? यस सर। तो हमारे जीवन में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है। ऑक्सीजन के बिना हम लोग या कोई भी जीवित नहीं रह सकता। और ये पीपल का वृक्ष हम लोगों ने 5 जून को लगाया था, ताकि इस परिसर में, जवाहर नवोदय विद्यालय के परिसर में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा रहे और आपको ऑक्सीजन मिले, ठीक है ना। और हम लोगों ने जिला प्रशासन से भी और जिला वन प्रमंडल अधिकारी से भी निवेदन किया था कि अररिया में भी सभी जगह 500 मीटर पे एक पीपल का वृक्ष लगाना अनिवार्य करें। इससे क्या होगा, हमारे पूरे अररिया जिले का पर्यावरण संतुलन बना रहेगा और प्रदूषण मुक्त रहेगा। तो पीपल बचाओ, पीपल लगाओ, इसके तहत हम लोग जगह जगह पीपल लगा रहे हैं और फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष तो लगाते ही हैं, लेकिन पीपल का वृक्ष लगाना बहुत ही आवश्यक है। आप सभी को मालूम है कि पर्यावरण संकट बहुत भीषण हो गई है, पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, जल में, वायु में और आकाश में हर तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है। तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो कार्बन डाइऑक्साइड 100% ग्रहण करता है और 100% दिन रात हमें ऑक्सीजन देता है। तो आप सभी को इसके महत्व के बारे में पता चल गया। तो अब हम लोग चलेंगे दूसरी तरफ, ठीक है। पीपल बचाओ, पीपल लगाओ, सांसे हो रही है कम, आओ पीपल लगाएं। सांसे हो रही है कम, आओ पीपल बचाएं। सांसे हो रही है कम, आओ पीपल लगाएं हम। सांसे हो रही है कम, आओ पीपल लगाएं हम। सांसे हो रही है कम, आओ पीपल बचाएं हम। सांसे हो रही है कम, आओ पीपल बचाएं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरी तरफ, ठीक है।